गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट के हनीकॉम्ब बुक में लेसन नंबर 9 उसका अगला पार्ट करा रही हूँ। ट्रांसलेशन करा, ध्यान से सुने। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, उसने बहुत सारे पेज खोल दिए। समथिंग समवेयर, उसे जहाँ जो कुछ भी दिखा। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, और उसने दर्जनों छोटी छोटी गोलियां उस रास्ते पर बिखेर दी। कैच देम, ही शाउटेड कैच देम, और चिल्लाया उन्हें पकड़ो उन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें उनमें से कोई भी खोनी नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उनके बारे में काफ़ी उत्तेजित था। ही ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, वो लगभग आधा घंटा तक रेंगता जमीन पर रेंगता रहा और उसे 16 गोलियां मिली। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है हमने सारी ढूंढ ली हैं। बिकॉज, क्योंकि, इफ नॉट, अगर नहीं, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो यह है साइकिल के अंदर एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने सुरक्षा के तौर पर उन्हें अपने हैट में रख दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मैंने माना कि यह करना कोई समझदारी की बात नहीं। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, उसने कहा कि जब वो देख ही रहा है, काम कर ही रहा है, तो वो इसकी चेन भी, साइकिल की चेन भी मेरे लिए देख देगा। एंड एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और अचानक उसने गियर केस को, गियर बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फॉर दैट, मैंने उसे उसके लिए रोकने की कोशिश की। आई टोल्ड हिम वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलमली, मैंने उसे बताया कि मेरे एक अनुभवी दोस्त ने एक बार गंभीरता से मुझसे क्या कहा था। इफ एनी थिंग goes wrong with your gear case, अगर आपके गियर बॉक्स में कभी कोई समस्या आ जाती है, sell the machine, तो साइकिल को या मशीन को बेच दो। एंड buy a new one, और एक नई खरीद लो। इट कम्स चीपर, ये ज़्यादा सस्ता रहेगा, खरीदना ठीक कराने के बजाय खरीदना ज़्यादा सस्ता रहेगा। नहीं, ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, उसने कहा ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्हें मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, एक गियर केस को खोलने से ज़्यादा आसान काम और कुछ नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे मानना पड़ा कि वो सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने 5 मिनट से भी कम समय में गियर बॉक्स के 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ, जो रास्ते पर पड़े थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वह पेंच ढूंढने के लिए जमीन पर रेंग रहा था। ही सेड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपीयर्ड, उसने कहा यह उसके लिए हमेशा रहस्य की बात रही है कि पेंच कहाँ पर अदृश्य या लुप्त या गायब हो जाती हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, मेरी सामान्य बुद्धि मुझसे बार बार कह रही थी स्टॉप हिम, उसे रोको। बिफोर ही डज एनी मोर मिस्ट्रीफ, इससे पहले कि वो और ज़्यादा कोई गलती करे। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट यूअर ऑन प्रॉपर्टी, तुम्हें पूरा अधिकार है अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का। फ्रॉम द रेविजेज ऑफ ए लुनेटिक, किसी पागल से, उसका बिना नष्ट होने से पहले। टेक हिम बाय द स्कार्फ ऑफ द नेक, उसके गले के, उसके कॉलर से पकड़ो। एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे ठोकर मारकर गेट से बाहर फेंक दो। But I am weak when it comes to hurting other people's feelings, and I let him muddle on. लेकिन मैं दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने में अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ, और मैंने उसे अपनी साइकिल के साथ खिलवाड़ करने दिया। He gave up looking for the rest of the screws. उसने बाकी पेंचों को ढूंढना बंद कर दिया, छोड़ दिया। ही सेड, उसने कहा, स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, उसने कहा कि पेंच अचानक से प्रकट हो जाते हैं जब आप उनकी उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ चुके हो। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो उसने चेन को
देखना शुरू कर दिया। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव। उसने उसे इतना कस दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। और दोबारा में उसने उसे दुगना ढीला कर दिया जितने कि वो पहले ढीले थे। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन। उसने कहा कि अब हमारे लिए अच्छा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि हम अगले पहिए को इसकी जगह पर लगा दें। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने चिमटे को खोलकर पकड़ा। एंड ही वरिड विद द व्हील, और उसने पहिए को इसमें डाला। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील। 10 मिनट के बाद मैंने उससे सुझाव दिया कि तुम चिमटा पकड़ो और मैं पहिए को देखता हूँ। एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने अपनी जगह बदल ली। एट लेंथ, अंत में वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और आखिर में हमने पहिए को उसकी जगह पर लगा दिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बस्ट आउट लाफिंग, और ये वही क्षण था उसी पल उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है। ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने कहा मैं एक गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये पहली बार थी जब मेरे मन में उसके लिए आदर आया या इज्जत आई। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यह कब पता चला। ही सेड, उसने कहा वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, कि हम गोलियां लगाना तो भूल ही गए। आई लुक फॉर माई हैट, मैंने अपना टॉप ढूंढा, हैट ढूंढा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, यह रास्ते के बीच में उल्टा पड़ा था। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक।